नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड में सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर खुद सरकार के ही मंत्री पलीता लगा रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के प्रति दरियादिली इस कदर दिखाई दे रही है कि दागी अफसर को विभाग से हटाने के बाद प्रमोशन करके महाप्रबंधक बना दिया गया, जनरल मैनेजर बना दिया गया। यह मामला गन्ना विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल नादेही चीनी मिल के मुख्य अभियंता रहे आरके सेठ के खिलाफ 2 महीने पहले कार्रवाई के आदेश दिए गए। इन पर 2016 से 18 के बीच चीनी चोरी घोटाले का आरोप था और विशेष ऑडिट रिपोर्ट में भी करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप इन पर लगे थे। तत्कालीन गन्ना सचिव चंद्रेश यादव इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। विभागीय मंत्री यशीश्वरानंद ने उस वक्त तुरंत कार्रवाई कर आरके सेठ को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया था। अब इन्हें महाप्रबंधक बना दिया गया है। मंत्री की दरियादिली के पीछे क्या है? हमारे को सितारगंज शुगर मिल चलाना था, कोई भी इस प्रकार का अधिकारी हमारे पास नहीं था जो उसको संबंधित जानकारी हो, क्योंकि लंबे समय तक उसने वहाँ पर कार्य किया है। अगर वो जांच जो उस पर बिठाई गई थी जिसमें उसको सस्पेंड किया गया था, वो जांच अभी भी जारी है। अगर उसमें दोषी पाया जाएगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पता लग रहा है कि आप ही ने आदेश किया और आप लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी, जांच मैंने कहा जांच जारी है, अगर उसमें दोषी पाएगा उससे और ज़्यादा सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि शुगर मिल में हमारे जो टेक्निकल अधिकारी हैं उसकी कमी है। इस समय हमारे पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं था, मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत कर कर ये निर्णय लिया है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर वो दोषी पाएगा, मैं भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूँ, गलत अधिकारी के मैं बहुत खिलाफ हूँ, अगर उसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शेंगे नहीं हम लोग। अब आपको स्वामी यतीश्वरानंद का वो पुराना बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने करप्शन के आरोपों को लेकर कार्रवाई की थी। 16 और 18 के बीच का कोई चिन्नी घोटाले का मामला है, वो मेरे संज्ञान में बात आई है, तो मैंने उस अधिकारी पर कार्रवाई की है और ये भी कहा। इसके अलावा और भी कई कर्मचारियों की शिकायत मेरे पास है, उनके ऊपर भी मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर हम चाहते हैं हमारा जो चिन्नी विभाग है इसमें बड़ी पारदर्शिता का ईमानदारी के साथ इसमें काम किया जाए। चिन्नी घोटाले में कई शिकायतें और मेरे पास आई है कि केवल चिन्नी 2-3 ठेकेदारों को सप्लाई की जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। अभी अभी हम खबर दिखा रहे हैं कि कैसे मंत्री जी ने पहले सस्पेंड किया और उसके बाद ये कहकर उन्हें जनरल मैनेजर बना दिया है कि हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं था, कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो शुगर मिल को चला सके। इस पर आपका क्या कहना है? सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जंगल राज चल रहा है, इनको तो मुख्यमंत्री भी लायक नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को बदलते वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि ये लोग सही ढंग से नहीं संभाल पाए, कोई चीज 2 मुख्यमंत्री बदले तीसरा ले आए। तो अधिकारी बदलना कौन सी बड़ी बात है इस सरकार में? अधिकारी को पहले आप भ्रष्टाचार में सस्पेंड करते हैं और उसी अधिकारी को वापस आप रीइंस्टेट कर देते हैं, तो अपने आप में ये बताता है कि इस सरकार के पास न नीति है, न विजन है, न जीरो टॉलरेंस जिसकी ये माला जपते हैं वो भी धक्का साबित कर रहे हैं खुद ही। गरिमा जी, इसका बड़ा कारण क्या दिख रहा है आपको? क्यों किया मंत्री जी ने? सस्पेंड किया और उसके बाद प्रमोट कर दिया, सस्पेंड किया बहाल किया, ये तो एक बात हो सकती है, लेकिन प्रमोट कैसे कर दिया? सस्पेंड किया गया मंत्री कोई किसी डिमांड पर उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई होगी अधिकारी महोदय ने, और सस्पेंशन के बाद आप डील हो गई होगी, नेगोशिएशन हो गया होगा और सब कुछ अंडर द टेबल या बैकडोर से इन दोनों के बीच में दोबारा सुलह मशवरा दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं स्पेशल इंटेलिजेंस को सस्पेंड किया गया और उसके बाद बहाल कर दिया गया। आप कह रही है कि कोई डील हो गई होगी, मैं आपसे बात करूंगा गरिमा जी कि वो किस डील की तरफ आप बात कर रही हैं या क्या डील हो सकती है आपकी नजर में, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इसी वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अभी मंत्री जी का तर्क हमने सुना, उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास इस तरह का अधिकारी नहीं था कि इस तरह से हम चीज़ों को ऑपरेट कर सकें और मिल चला सकें, इसलिए हमने उनको ये जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन जाँच चलती रहेगी, जाँच इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। इस प्रकार का वाकया या इस प्रकार के बयान मुझे लगता है अपने पत्रकारिता जीवन में पहली बार देख रहा हूं किसी मंत्री का, पहले का कुछ और अभी का कुछ और।
अजीत आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी राजेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वाक्य बार बार देखने को नहीं मिलते। और खास बात यह है कि मंत्री ने पहले, अगर आपने बाइट सुनी हो जब सस्पेंड किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे दो तीन लोगों की और भी शिकायतें हैं, इनको सस्पेंड कर दिया है, और जो बाकी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। और उन तक तो, उनके कॉलर तक तो उनके मंत्री के हाथ नहीं जा पाए, जिनको सस्पेंड किया था उनको वापस बहाल करके और उनका मुअत्तल का जो आदेश था उसको वापस लेकर के उनके एक पद ऊपर उनको एक सितारगंज चीनी मिल की जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि वो मूलतः चीफ इंजीनियर हैं, उनको महाप्रबंधक बना दिया गया। और सितारगंज चीनी मिल पिछले 4 साल से बंद पड़ी है और उसको चलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए वहां पर चूंकि एक बहुत बड़ा काम होना है, बहुत बड़ा मेंटेनेंस का काम होना है, किस वजह से इनको मंत्री जी ने वहां पर भेजा है, क्या मंत्री की मजबूरी रही होगी, ये भी जैसा ग्रीमा दसोनी कह रही थी कि इस तरह के सिस्टम में यहाँ पर एक बहुत सारी चीजें हैं, क्या हुआ होगा उनके बीच में। लेकिन ये वाकई यहाँ पर सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर एक सवालिया निशान लगाकर चला गया है। मंत्री ने अपनी ही सरकार को इस मामले में असहज कर दिया है और सरकार के पास इस बात का कोई जवाब इस समय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास इस बात का कोई उत्तर दिखाई नहीं दे रहा जो मंत्री जी ने कर दिया है, असहज कर दिया उन्होंने अपनी ही सरकार को। गरिमा दसौनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने कहा कि ये डील हो सकती है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गरिमा जी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट की कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं, सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग ले जाया गया। कहा यह जा रहा है कि कार का अगला टायर फटने की वजह से हादसा हुआ है। देख लीजिए आप तस्वीर, टायर फटने के बाद पलटी हुई कार को आप देख सकते हैं। दिवाकर भट्ट की कार इस तरीके से पलट गई और उनको हल्की चोट भी लगी। निकाल दिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं दिवाकर भट्ट। और भी जा, और बैग है उधर से बंद कर दो इंडिकेटर। और देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान 29 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें सरकार ने कर्मचारियों के भत्ते से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी कर दी। इसके साथ साथ लोहा घाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों का भत्ता 11% बढ़ाने पर मुहर लग गई है। भारत सरकार की, जिससे भारत सरकार ने महंगाई भत्ते को 11% बढ़ाने का निर्णय लिया था, राज्य मंत्रिमंडल ने अपने राज्य के कर्मचारियों को भी, जो अभी तक कुल डीए 17% था, उसको बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में आज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसके लिए कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया है। हालांकि राज्य कर्मचारियों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि गोल्डन कार्ड के मामले को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं की गई। दरअसल राज्य कर्मचारी गोल्डन कार्ड में सुधार किए जाने की मांग कर रहे थे। आज मंत्रिमंडल की बैठक ने देर से ही सही लेकिन 11% डीए की मोहर लगाई है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय कैबिनेट मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। वैसे धन्यवाद के साथ साथ, चूँकि गोल्डन कार्ड के एक अहम मुद्दे पर प्रदेश के तमाम कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार के लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं और लगभग 10 महीने से पैसा कटने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जो हिलावाली की जा रही है और इस गोल्डन कार्ड की योजना को बिल्कुल कूड़े में डाल दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल बलूनी ने कहा है कि भाजपा के संपर्क में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले, हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है, हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नज़दीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी देहरादून दौरे के दौरान मोहन में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर भी वो मीटिंग करने वाले हैं। दरअसल देहरादून और उत्तर प्रदेश की सीमा वाले क्षेत्र के मोहन डॉट कॉल में नेटवर्किंग की समस्या है। देहरादून जब हम लोग नेशनल हाईवे से आते हैं उस वक्त एक बहुत बड़ा पैच ऐसा पड़ता है मोहन और डॉट कॉल के बीच में,
उसमें टेलीफोन सेवाएं थी और उसमें बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती थी, किसी एक्सीडेंट हो कोई और दुर्घटना के समय पर बड़ी परेशानी होती थी। तो इसलिए हम लोगों के मन में आया कि इसके अंदर यहाँ पर टेलीफोन सेवा होनी अनिवार्य है। इसी दौरान BSNL और तमाम लोगों से बात की है तो एक चीज़ समझ आती है कि इसमें जंगल होने के कारण, जंगलात की जमीन होने के कारण लैंड ट्रांसफ़र होने में दिक्कत थी। तो आज मैंने वन विभाग, BSNL, रिलायंस जी और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया है और वहाँ पर इन लोगों के बीच में समन्वय हो सके और इस समस्या का समाधान हो। जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ आने वाले लोग इतनी बुरी तरह से समस्या से ग्रसित हैं तो इससे किसी तरह छुटकारा मिले इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े खास शो 70 का संग्राम की। जी हाँ, विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ चुका है और इसीलिए उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि पहाड़ पर आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और अपने इस खास शो में हम आपको हर दिन प्रदेश की एक विधानसभा का पूरा ब्यौरा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्तर के संग्राम में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं रायपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को। देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट वैसे ही सुर्खियों में रहती है। ये सीट फिलहाल भाजपा के कब्जे में है और उमेश शर्मा काऊ यहीं से विधायक हैं। तो चलिए सियासी नजरिए से एक नजर रायपुर सीट पर डालते हैं। देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट में से एक है। रायपुर से मौजूदा समय में भाजपा के उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं। अब आपको इस सीट का सियासी इतिहास बताते हैं। 2012 में इस सीट पर पहली बार चुनाव जिसमें कांग्रेस की तरफ से उमेश शर्मा काऊ और भाजपा की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में उतरे थे। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। उमेश शर्मा काऊ ने 474 वोटों से जीतकर त्रिवेंद्र रावत को शिकस्त दी। 2016 में हुई सियासी उठापटक के दौरान उमेश शर्मा भाजपा में आ गए। 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने काऊ को ही रायपुर से मैदान में उतारा। काऊ इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार थे इसलिए कांग्रेस को प्रत्याशी तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार कांग्रेस ने प्रभुलाल बहुगुणा को काऊ के खिलाफ उतार दिया मगर काऊ के नाम की आंधी में बहुगुणा टिक नहीं पाए और उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। रायपुर विधानसभा सीट उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर विधायक उमेश शर्मा काऊ का ही दबदबा रहा है। इस बार फिर उमेश शर्मा को भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं, जनता पे मुझे विश्वास है और मेरी जनता को मुझ पे विश्वास है तो इसलिए मैं सीधा जो भी आने निर्णय है। जनता ने पिछली बार पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जिताकर मुझे विधानसभा भेजा और इस बार भी मैं अपनी जनता के भरोसे कहना चाहता हूं कि जनता जो मेरे कार्य की उपलब्धियां हैं, जो रायपुर 12 के बाद आज तक विकास की ओर दौड़ा है उसको और अधिक गति देने के लिए उससे भी ज़्यादा बहुमत से मुझे जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी से हों या भाजपा से, रायपुर की जनता ने पार्टी से परे उमेश शर्मा पर ही भरोसा जताया है। उमेश शर्मा काऊ आज भी क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक के तौर पर पहचाने जाते हैं इसलिए इस बार भी उन्हें पछाड़ना आसान नहीं लग रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको 2017 के चुनाव के परिणाम दिखाते हैं। 2017 में रायपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उमेश शर्मा काऊ की जीत हुई थी जबकि प्रभुलाल बहुगुणा को हार का मुंह देखना पड़ा था। उमेश शर्मा की जीत से साबित हो गया था कि रायपुर की जनता उन पर कितना भरोसा करती है। तो रायपुर सीट पर वैसे तो उमेश शर्मा काऊ का ही दबदबा रहा है मगर इस बार हालात ज्यादा अच्छे नहीं। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक उमेश शर्मा काऊ ने 355 सड़कों का निर्माण करवाया था जबकि 2017 से लेकर अब तक रायपुर विधानसभा में महज 42 सड़कों का ही निर्माण हुआ है। उनके पहले टर्म में 12 पुलों का निर्माण हुआ और दूसरे में सिर्फ 3 पुल ही बन पाए। इसके अलावा
वो अपने दोनों ही टर्म में कई विकास काम धरातल पर उतार चुके हैं। अजबपुर कला में कम्युनिटी हॉल, नालों और नालियों का निर्माण, पार्क, सोलर लाइट प्रोजेक्ट, पीने के पानी की सप्लाई, ऐसे कई काम हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता गिना रही। और अब आपको दिखाते हैं कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या हैं। मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण एक बड़ी समस्या है। ट्रैफिक जाम की समस्या, नालियों में जल भराव की समस्या है, यहां पर पानी की सप्लाई सुचारू न हो पाना भी एक समस्या है। बिजली के पोल से तार टूटने की भी समस्या है जो जनता के मन में है। ये बड़ी समस्या है। मगर रायपुर विधानसभा की जनता विधायक जी के दावों पर क्या कह रही है, चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। पूरा विधायक का तो कहना ये है कि आम जनता को देख के सब जो भी मिलते हैं निराश ही रहते हैं। निराश इसलिए रहते हैं, ना तो यहाँ पे किस तरीके का कोई रोड का काम है, ना रोजगार मिल पा रहा है युवाओं को, लो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करते, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब खंडर हुए पड़े हैं, किसी प्रकार से कोई कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। करने वाला विधायक चाहिए, और हमने तो देखा कि इन सालों में हमने तो एक विधायक को देखा, काम करने में भी, रोजगार दिलाने में भी, सबके दुख बीमारी सुख सब में खड़े होते हैं वो। देखिए मैं तो सड़कों की हालत देख लीजिए आप, आजकल जो है मैं गाड़ी चलाती हूँ, जितनी भी कहीं हमारे टायर फटते हैं, कितनी जगह गड्ढे हो रखे हैं, वैसे बारिश भी हो रही है आजकल, लेकिन मैं अपने उनसे ही कहती हूँ कि वो विकास कार्यों पे ध्यान दे। तो रायपुर सीट से भाजपा के उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं। काऊ का दावा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत काम किया है और इस वजह से इस बार भी जनता उन पर भरोसा जताएगी। वहीं कांग्रेस इन दावों को खारिज कर रही है। मैंने सड़कों का जाल बनाया, ओली गांव एक ऐसा था जहां से सारा पलायन हो गया था, आ जाके देखो, उसके लिए नया मालदेवता से भी जोड़ दिया, नाला पानी से भी जोड़ दिया और हॉटमिक्स बना के रायपुर से जोड़ दिया। अब ओली आप पहचान ही नहीं पाओगे, पूरा शहर बन गया। ऐसे ही हमारे जो दूर दराज के गांव थे उनको हमने नए पुल बनाए। जो पार्षद बेचारे हमारे हैं कांग्रेस के, उनको छोड़ करके, क्योंकि वो तो एक मन से लगे रहते हैं, कभी कोई खड़ंजा बिछाना, कहीं नाली बनाना, कहीं कुछ करना। बाकी जो भाजपा के पार्षद हैं उनके यहाँ तो कहीं सड़क नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि केवल मात्र खड्डे ही खड्डे हैं। वर्तमान जो विधायक है ये पहले कांग्रेस में था, उस समय कांग्रेस ने बहुत सारा पैसा दिया था, इसने विकास हुआ था। भाजपा में जब से ये गया है तो यहाँ पे कहीं एक नए पैसे का काम नहीं हुआ,